हलो बचो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोन स्कूल में नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए मैं आप सभी के लिए डेली एक एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं लाइव भी आता हूं आपके डेली डाउट्स ले रहा हूं कुछ डाउट्स लाइव ले रहा हूं कुछ डाउट्स मैं रिकॉर्डेड इस तरह से वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे इन सभी इंट्रेंस एग्ज़ाम्स में नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में सैनिक का चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे आर आई एम का एंट्रेंस एग्जाम हो इन सभी प्रवेश परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जो हैं काफ़ी हेल्पफुल होंगे बेटा तो डेली इस चीज़ को फॉलो किया करो डेली डाउट का जो ये सीरीज है इसको जरूर से फॉलो किया करो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को कुछ अच्छे अच्छे डाउट्स मैंने ले रखे हैं आप सभी के ही डाउट्स हैं जो आप सभी ने डाउट्स इस टेलीग्राम ग्रुप पे भेजे थे उन्हीं को मैंने उठाया है यहाँ से और फॉर्मेट करके अपने हिसाब से मैं यहाँ पे आपको शॉर्टिक के साथ सारी चीज़ें बिल्कुल बेहद अच्छे तरीके से समझाते हुए चलूंगा आपको बताऊं कि अगर आप नए हो इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया हुआ है इस ग्रुप का आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे सर्च करो नवोदया सैनिक क्लास सिक्स बाई डी सर तो ये आ जाएगा इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हो आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो ठीक है तो इस ग्रुप में आप अपने क्वेश्चन पूछा करो बाकी डेली मैं आप सभी के लिए ये पोल करा रहा हूँ डेली यूट्यूब पर कम्युनिटी टैप में जाना है यहाँ पर और कम्युनिटी टैप में जा करके ये जो भी पोल्स हैं इन सबको जरूर से अटैम्प्ट करना बहुत ही हेल्पफुल है आप सभी के एग्जाम्स के लिए ठीक है स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर वन से देखो एक बात है ना क्वेश्चन को जब भी पढ़ो अपने आपके स्क्रीन पे जब भी जैसे ही क्वेश्चन दिखे तुरंत सॉल्व करने बैठ जाओ मेरे साथ ये मेरी वीडियोस जब भी देखा करो कॉपी और पेन लेकर के जरूर से बैठा करो बट बैठ ऐसे मनोरंजन के लिए वीडियोस नहीं मत देखा करो वरना फिर तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होगा मनोरंजन के लिए नहीं अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ जो।, जो भी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता है सबसे पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम इज 62 टू ईयर्स एट ईयर्स लेटर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी फाइव इज टू एट फाइन द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल बासठ वर्ष है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पाँच संबंधे आठ होगा तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है देखो बेटा मेरी बात सुनो यहां दे रखा है कि आठ वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा इतना यानी ये जो भी रेशियो दे रखा है ये आठ साल बाद का रेशियो है तो क्यों ना हम शुरुआत ही आठ साल पहले से करें आठ साल बाद से करें है ना तो अगर मैं आठ साल बाद का डेटा ले ले रहा हूं आठ साल बाद का डेटा जो है अगर मैं ये बाद मैंने लिख दिया कोई बात नहीं मैंने अगर आठ साल बाद का डेटा लिया ठीक है बेटा तो राम और श्याम की उम्र कितनी होगी फाइव राम बटे श्याम तो आठ साल बाद की अगर मैं बात करूं तो राम बटे श्याम राम बटे श्याम राम बाई श्याम ये होगा फाइव बाई एट ये देखो मैं आठ साल बाद की बात कर रहा हूं अभी की बात नहीं कर रहा हूं चूंकि अभी जो है अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी इनका इनकी एज का योग सिर्फ दे रखा है अभी कोई रेशियो नहीं दे रखा है ठीक है तो मैं बाद की बात कर रहा हूं आठ साल बाद की बात कर रहा हूं राम बटे श्याम की वैल्यू आ रही है पाँच बटे आठ ठीक है बेटा और कह रहा है कि अभी इनके वर्तमान आयु का योगफल है वो है बासठ साल है ना अभी इनके वर्तमान आयु का योगफल है वो वह सा, साल तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं मतलब अभी की बात करूं बेटा अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो दे देखो पहले जो हमने मान रखा था वो ये मान रखा है कि आठ साल बाद राम की उम्र होगी फाइव एक्स यहां पर एक्स आप लिख लेना और श्याम की उम्र होगी आठ एक्स रेशियो में ऐसा ही करते हैं कि ऊपर नीचे एक्स लिख लेते हैं क्योंकि एक्स एक्स तो कट जाएगा आपस में ठीक है तो आठ साल बाद राम की उम्र है फाइव एक्स और आठ साल बाद श्याम की उम्र है आठ एक्स तो अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी दोनों लोग आठ आठ साल कम उम्र के हैं है, है कि नहीं जैसे कि तुम्हारी एज मान लो अभी दस साल है तो आठ साल बाद 18 साल होगी है नहीं तो अगर मैं आठ साल बाद की उम्र मान रहा हूं तुम्हारी कि आठ साल बाद तुम्हारी उम्र है अट्ठारह साल तो अभी कितनी होगी दस साल यानी माइनस एट कर दोगे यानी सेम वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे कि अगर मैं अभी की उम्र की बात करूँ प्रेजेंट एज की बात करूँ प्रेजेंट एज की तो राम की जो एज होगी बेटा वो इस एज से आठ साल कम हो जाएगी यानी कि फाइव एक्स है ना और सिमिलरली द एज ऑफ श्याम विल ऑल्सो बी विल ऑल्सो भी वो भी आठ साल से वो भी आठ साल से कम हो जाएगा तो फाइव एक्स माइनस एट ठीक है तो ये दोनों हमने आठ आठ घटा दिया अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ध्यान से मेरी बात सुनना ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अभी की बात कर रहे हैं अच्छा अब आगे कैसे प्रोसीड करें अभी का डेटा दे रखा है बेटा कि अभी जो है ना राम और श्याम की आयु बासठ वर्ष है दोनों मिला करके तो हमने कहा जी अच्छी ऐसी बात है तो इन दोनों की एज को हमने मिला दिया एक मिनट रुकना बेटा इन दोनों के एज को हमने मिला दिया यानी कि इन दोनों के एज को जोड़ दिया तो अगर मैं अभी की बात कर रहा हूं दोनों का एज का योग जो है एज ऑफ राम प्लस एज ऑफ श्याम यानी कि राम की उम्र और श्याम की उम्र हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना बेटा इसमें कौन सी बड़ी हिंदी इंग्लिश वाली बात है एज ऑफ राम मतलब राम की उम्र एज ऑफ श्याम मतलब श्याम की उम्र दोनों को मैंने जोड़ देना है दोनों मिलाकर के 62 होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन भी यही कह रहा है भाई कि अभी जो है दोनों की एज है सिक्सटी ठीक है मैंने दोनों को मिला दिया 62 होना चाहिए तो दोनों की उम्र कितनी है 5x एक्स माइनस एट फाइव एक मिनट ये वाला 8x एक्स माइनस एट होना चाहिए यहाँ पे मैंने एक गलत किया है ये 8x एक्स माइनस एट होना चाहिए ना क्योंकि 8 है ना अभी श्याम की उम्र 8x है तो 8x एक्स माइनस एट अगर मैं दोनों को आपस में मिला देता हूँ तो देखो 5x एक्स माइनस एट ये राम की उम्र हो गई प्लस प्लस एट एक्स माइनस एट ये शाम की उम्र हो गई दोनों मिला करके सिक्सटी टू होना चाहिए इधर पाँच एक्स है इधर आठ एक्स है तो आठ पाँच तेरह एक्स इधर माइनस आठ है इधर माइनस आठ है तो माइनस सोलह हो गया माइनस आठ और माइनस आठ मिलकर के सोलह हो गया इज इक्वल टू सिक्सटी टू थर्टीन एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन को इधर लेके आ जाओ तो थर्टीन एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी टू प्लस सिक्सटीन यानी कि थर्टीन एक्स बराबर इन दोनों को जोड़ दो तो छः एक सात छः दो आठ तो अठहत्तर हो गया अगर मैं तेरह से काट दूँ मास्टर खत्म करो कहानी तो तेरह छः के अठहत्तर एक्स इज इक्वल टू सिक्स यानी एक्स की वैल्यू आ गई बटा सिक्स ठीक है अब जैसे ही आपकी एक्स की वैल्यू आ गई ना आपके पास सारा कुछ आ गया आप राम की उम्र भी निकाल सकते हो आप श्याम की उम्र भी निकाल सकते हो प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं आप पहले की भी उम्र निकाल सकते हो बेटा पहले की उम्र है फाइव एक्स और एट एक्स ठीक है आपसे क्या पूछ रहा है आप क्वेश्चन क्वेश्चन को सीधा चैलेंज करो भैया क्या पूछना है पूछो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई मतलब मेरे पास सब कुछ आ गया तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है शाम की वर्तमान आयु देखो श्याम की वर्तमान आयु है एट एक्स माइनस एट कितनी एट एक्स माइनस एट सो वट विल डू विल सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एट एक्स माइनस एट यानी आठ एक्स माइनस आठ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है बेटा आठ एक्स माइनस आठ एक्स की वैल्यू कितना सिक्स तो सिक्स रख दो आठ गुणे छ माइनस आठ यानी कि फोर्टी ईयर्स फोर्टी ईयर्स सही बात है बोलो बोलो बेटा मेरे साथ बोलो सब सही है चलो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी और ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा आपको डरना नहीं है बस समझ रहे हो जहाँ डर गया फिर खत्म फिर क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर देगा क्या करना है देखो सबसे पहले समझना है क्वेश्चन को ध्यान से समझो तो कह रहा है कि अभी की उम्र का जो योग है यानी कि समीशन है वो है बासठ साल लेकिन चूंकि अभी मैं सिर्फ एक ही डेटा दे रखा है भाई 62 साल है तो यानी कि बाद की उम्र का मुझे सहारा लेना पड़ेगा बाद में रेशियो दे रखा है कि आठ साल बाद जो रेशियो होगा वो इतना होगा तो हमने पहले शुरुआत ही आठ साल बाद से कर दी क्योंकि रेशियो दिया हुआ है जहां रेशियो दिया हुआ हो शुरू वहीं से करो ठीक है क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना हमें कि किसकी उम्र किस किसकी उम्र किस, कौन से रेशियो में है जैसे अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि राम और श्याम की उम्र कितनी होगी तो आप नहीं बता पाओगे लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आठ साल बाद कितनी होगी तो आप कहोगे कि मास्टर ये तो नहीं पता कितनी होगी आठ साल बाद लेकिन मैं रेशियो जरूर बता सकता हूँ उनकी उम्र का है ना तो यानी अलग अलग हमें पता चल रहा है कि राम का इतना हो सकता है श्याम का इतना हो सकता है इसीलिए हमें रेशियो से स्टार्ट करना है ध्यान रखना ऐसे सवालों में रेशियो से स्टार्ट करना है जहां भी रेशियो दिया हुआ होगा जहां भी अनुपात दिया हुआ होगा वहां से स्टार्ट करना है मान लो कि इस सवाल में अनुपात अभी का दिया होता यानी कि प्रेजेंट उम्र का रेशियो दिया हुआ होता तो प्रेजेंट से स्टार्ट करते है कि नहीं लेकिन अभी जो ये रेशियो दे रखा है वो आठ साल बाद का दे रखा है इसलिए आठ साल बाद से स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है बेटा आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करो अच्छा लगेगा तुम्हें और प्रैक्टिस भी होगी अच्छे से ताकि तुम एग्जाम को क्लियर कर पाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आज तो ये वाला नहीं हो पाएगा बेटा अभी काफ़ी टाइम लगेगा तो छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हाँ ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा मैं बताऊँ आपको इस क्वेश्चन में ना बहुत ईजी क्वेश्चन है वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन लेकिन बच्चे गलती कहाँ कर जाते हैं पता है आपको ये थोड़ी सी गलती से ना उनका इतना सारा टाइम चला जाता है जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ ना तो तीस सेकेंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये मेरी बात समझ लो जस्ट विद इन थर्टी मिनट्स यू कैन डू दिस क्वेश्चन आराम से बिल्कुल आराम से तीस मैंने मिनट बोल दिया सॉरी थर्टी <laughs> सेकेंड मिनट तो कहा मिनट तब लग जाएंगे बेटा जब तुम ना इसको अपने तरीके से करोगे मैं बता रहा हूँ आसान सा मेथड है सिंपल मेथड है मेरी बात समझना देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है आप क्या यहाँ पे कॉमन क्या देख रहे हो यहाँ पे भी ट्रिपल नाइन है यहाँ पे भी ट्रिपल नाइन इधर भी ट्रिपल नाइन इधर भी ट्रिपल नाइन इधर भी ट्रिपल नाइन इधर भी ट्रिपल लाइन यानी सभी इन सभी पदों में क्या है ट्रिपल नाइन ट्रिपल नाइन है मेरी बात समझ लो इन सब में ट्रिपल नाइन ट्रिपल नाइन ट्रिपल नाइन ट्रिपल नाइन कॉमन है जब बच्चा इसको सिंप्लीफाई करता है ना तो क्या करता है वो सोचता है कि बेटा इसको हम लोग क्या कर लेते हैं नौ का साथ में गुणा कर लेते हैं प्लस वन कर लेते हैं यानी कि इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं सरल भिन्न में बदल लेते हैं इसको भी बदल लिया इसको भी बदल लिया सबको बदल करके और फाइनली जोड़ दें ये आप सोचोगे लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल गलत है बेटा इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सोचो जरा आप कि इसको आप पहले फ्रैक्शन में बदलोगे मतलब सिंपल फ्रैक्शन में इसको भी बदलोगे इसको भी बदलोगे तो सभी को बदलने में तो कितना सारा टाइम तुम्हारा ऐसे ही चला जाएगा और बाकी जितना टाइम बचेगा उसमें फिर आप क्या करोगे जोड़ोगे ये है ना तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है मैं बता रहा हूं इसको करना कैसे है आप सभी सबसे पहले ध्यान दो क्वेश्चन को समझो जाना पहचाना क्वेश्चन एग्जाम में लगना चाहिए अगर एग्जाम में आ गया तो सीधा बेटा सीधा आपको ये ट्रिक लगानी है देखो नौ हर जगह कॉमन है है ना तो हमने कहा भाई अगर नौ सौ निन्यानवे कॉमन है तो हमने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बता रखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि वितरण का नियम तो इन सभी जगह से ना आप नौ सौ निन्यानवे को एक जगह लेके आ जाओ यानी कि इकट्ठा कर लो जैसे कि नौ 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 मैंने एक जगह लिख दिया इस तरीके से नौ 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 ब्रैकेट लगाओ उसके बाद ब्रैकेट लगाओ उसके बाद देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है बाई सेवन लिख दो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है टू बाई सेवन यहाँ पे लिख दो ये थ्री बाई सेवन है तो प्लस थ्री बाई सेवन कर दो ये फाइव बाई सेवन है तो प्लस फाइव बाई सेवन कर दो ये फोर बाई सेवन है सो so राइटर right प्लस फोर बाई, सेवन। ये बाई सेवन है तो प्लस सिक्स बाई सेवन कर दो अब देखो मेरी बात समझो इन सभी को हमने क्या किया आपस में ऐसे जोड़ दिया और 999 को बाहर ले लिया क्यों बाहर ले लिया भाई क्योंकि ये सब में कॉमन है अब आगे अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो ये 999 तो बाहर ही बाहर है ठीक है इन सब का जो हर है यानी कि जो डिनोमिनेटर है दैट इज सेवन तो सेवन को नीचे रख दो इन सबको जोड़ लो एक दो तीन तीन छः पाँच ग्यारह ग्यारह चार पंद्रह पंद्रह और छ कितना हो गया इक्कीस हो गया तो ट्वेंटी वन यहाँ पे रख दो सात थ्री के इक्कीस मास्टर ख़त्म करो कहानी यानी कि नाइन 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 तो बाहर है बेटा और अंदर क्या हुआ थ्री हुआ तो इन थ्री देखो यहाँ पे इन है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है ठीक है तो इनटू थ्री कर दो अब देखो कहानी कितनी आसान हो गई बेटा सवाल कितना आसान हो गया इससे आसान सवाल पाओगे क्या एग्जाम में बताओ आपका तीस सेकेंड में के अंदर नहीं हो जाएगा क्या बताओ क्या ऐसे सवाल तुम तीस सेकेंड के अंदर कर लोगे अगर कर लोगे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ अभी लिखो बेटा कॉमेंट सेक्शन में कि हाँ जी मास्टर हो जाएगा अगर इससे कम में कर ले रहे हो एक बार करके देखो ईमानदारी से बेटा एक बार करके देखो अगर तुम्हें लगता है कि इससे भी कम टाइम में आप इसको कर ले रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि मास्टर मैं तो इतने ही टाइम में कम कर ले रहा हूँ लेकिन ईमानदारी से ईमानदारी बहुत ज़रूरी है ऐसा नहीं है कि तुम तो लिखने को दो सेकेंड लिख दो लेकिन दो सेकेंड में होगा थोड़ी ना तो ईमानदारी से अपने स्तर से लिखो बेटा कि आप इतने टाइम में कर लोगे ठीक है तीन नौ सत्ताईस को सात हासिल दो तीन नौ सत्ताईस दो उनतीस हासिल दो तीन नौ सत्ताईस दो उनतीस ठीक है सिंपल है तो ये टू डबल नाइन सेवन द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी क्या आपको बेटा बात समझ में आ रही है ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करने से ही आपका काम बनेगा बेटा प्रैक्टिस जरूरी है प्रैक्टिस करते रहो लगातार करते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जरा देखना अच्छा ये क्वेश्चन इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा रखा है कोर्स के अंदर सिखा रखा है अभी करेंगे लेकिन अगर आपने अर्जुन बैच नहीं लिया बेटा तो इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट आपको अर्जुन बैच में मिलेंगे तो अर्जुन बैच आप जरूर से एनरोल करो द्रोण स्कूल का ऐप आप डाउनलोड करो जैसे कि आप हर एक ऐप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से पे जाओ सर्च करो द्रोण स्कूल आपको ऐप मिल जाएगा उस ऐप में ये बैच जो है वो ऑनलाइन बैच जिसपे चलाया जा रहा है अर्जुन बैच ऑनलाइन आप सभी के, तो के लिए इंक्लूड की गई का अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ दो के अंदर तो उनतीस अप्रैल को टारगेट करके जो अपना एग्जाम होने वाला है उसको टारगेट करके हम लोग ये बैच चला रहे हैं अर्जुन बैच वी आर रनिंग फॉर नोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नौदय विद्यालय एग्जामेशन जे एन जवाहर नोदय विद्यालय दट इज जे एन वी एस टी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो आप अवेल कर सकते हैं ये वाला बैच इसमें इनरोल कर सकते हैं नो अल्फा बैच अगर आप सैनिक स्कूल की, की तैयारी कर रहे हैं तो सैनिक के लिए हमारा सैनिक अल्फा बैच है तो जरूर से इनरोल करें बाकी अभी के लिए मॉडल पेपर्स हैं हमारे पास मॉक टेस्ट हैं जो कि बहुत ही हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में ये आपके एग्जाम में कम से कम मिनिमम दस परसेंट मार्क तो आपके इंक्रीज करेंगे ही बेटा तो आप जरूर से इसमें इनरोल करें और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाएं स्टार्ट कर इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था अभी अभी इसको सॉल्व करते हैं एंड फिर इस सेशन को ख़त्म करते हैं देखो यहाँ पे क्या है आप जरा समझना बात समझना बच्चे देखो बेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि वन बाई थर्टी सिक्स पॉइंट एटीन बराबर इतना है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी है अब अगर तुम ना अगर बेटा इसका इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालने चले गए गए तुम तो समझ लो फिर फंस जाओगे भंवर में है ना डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है आपको इसकी वैल्यू दे रखी है ना तो भैया ये किस दिन काम आएगा ये आखिर क्यों दे रखा है बताओ अगर तुम्हें डायरेक्ट ही वैल्यू निकालनी होती तो ये क्यों दे रखा है ये दे रखा है यानी कि कुछ ना कुछ इसका काम है ना तो कैसे निकालेंगे जरा ये सोचो बेटा आप देखो यहां से देखो यहां पे जो डेसिमल है वो इधर है इस पॉइंट पे देख रहे हो और यहां पे डेसिमल इस पॉइंट पे यानी मेरे को एक बात पता चल रही है क्या पता है देखो एक बात पता चल रही है बेटा कि ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको किसी तरह से खिसका करके और इधर की तरफ लेकर के आना है और कैसे खिसकाएंगे कितना प्लेस खिसकाना है वो भी जरा देखो इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ था देखो डेसिमल पॉइंट था सिक्स के बाद यानी कि यहां पे डेसिमल पॉइंट था ये यह देख लो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था सिक्स के बाद उसको कितने प्लेस हमने खिसका दिया एक दो तीन चार प्लेस उसको हमने खिसका दिया फोर प्लेस खिसका दिया है कि नहीं बोलो तो फोर प्लेस हमने डेसिमल ये इधर खिसकाया है बेटा फोर प्लस हमने इस डेसिमल को इधर खिसकाया है अब जरा बात ध्यान से समझना अगर ये ऊपर होता इस इस ये जो अपनी लाइन है ना बटे के ऊपर अगर दशमलव होता और फोर प्लस लेफ्ट की तरफ खिसका है तो इधर भी फोर प्लस लेफ्ट ही ये जाता ठीक है समझो मेरी बात अगर यहाँ पे लेफ्ट की तरफ खिसकेगा तो इधर भी लेफ्ट की तरफ ही डेसिमल खिसकेगा लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे गड़बड़ झाला है यहाँ पे उल्टा है उल्टा कैसे है भाई कि अगर यहाँ ऊपर खिसका होता तो तो हमारा काम बन जाता लेकिन ये नीचे है ना बटे के नीचे यानी यहाँ ये चीज़ उल्टे तरीके से काम करेगी भाई ये छत्तीस दशमलव अट्ठारह में दशमलव इधर की तरफ हमको खिसकाना है तो इधर दशमलव इधर की तरफ जाएगा राइट साइड जाएगा क्यों क्योंकि ये बटे के नीचे है अगर यही चीज़ यहाँ पे होती तो दोनों तरफ सेम काम करता मतलब इधर भी इधर खिसकता और इधर भी बाएँ खिसकता अगर इधर राइट की तरफ खिसक रहा है तो इधर भी राइट की तरफ खिसकता लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बटे के नीचे है यहाँ पर बटे के ऊपर है तो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे अगर यहाँ पे दशमलव इधर जा रहा है तो इसमें दशमलव इधर की तरफ जाएगा कितना प्लेस चार प्लेस देखो बेटा अगर हमको इसको कन्वर्ट करना है 0.003618 में तो ये हो जाएगा इसको आगे लिखो 0.0276। पॉइंट चार प्लेस आगे की तरफ बढ़ा दो वन टू थ्री फोर यानी कि फाइनल जो अपना डेसिमल जाएगा दशमलव जाएगा वो लास्ट में चला जाएगा बात मेरी समझ रहे हो ये लास्ट में जो है डेसिमल चला जाएगा यहाँ से उठ करके सो द आंसर विल बी हमने क्या किया यहाँ से इधर की तरफ डेसिमल किया तो ये यह दशमलव यहाँ से चार प्लस इधर चला गया तो हमारा आंसर हो जाएगा दो सौ छिहत्तर आसान सी बात है बेटा बहुत ही आसान सी बात है सारी ये क्वेश्चन कर लोगे एंड ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत तरीके से आपको बताया मैंने कोर्स के अंदर तो कोर्स जरूर से ज्वाइन करो कोई भी जानकारी अगर चाहिए एक्स्ट्रा तो आप हमें सिक्स टू सिक्स जीरो थ्री डबल एट थ्री सिक्स वन पे कॉल या व्हाट्सअप जरूर करें ताकि आपके आपके जो भी डाउट्स हैं उसका निदान किया जा सके उसका समाधान किया जा सके और आपको अच्छे से गाइड किया जा सके इन दोनों स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए चाहे वो नवदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चाहे वो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चलो बेटा बाकी चैनल को कर लेना सब्सक्राइब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह के नए नए सवालों के साथ इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल अच्छे सवालों के साथ तब तक के लिए अलविदा धन्यवाद